और हम आपको बताएंगे धतूरा के औषधीय गुण के बारे में। आयुर्वेद के ग्रंथों में अनेक औषधीय गुणों से युक्त वनस्पति का वर्णन मिलता है। आज मैं आपको एक ऐसी औषधीय वनस्पति के बारे में उल्लेख करूंगा जिसका नाम है धतूरा। यूं तो ईश्वर को सभी वनस्पतियां प्रिय होती है, लेकिन धतूरा इसके औषधीय गुणों के कारण एवं संरक्षण के उद्देश्य से शिव जी को विशेष प्रिय है। आचार्य चरक ने इसे कनक तथा सुश्रुत ने उन्मत्त नाम से संबोधित किया है। पहले एक छोटा सा परिचय आपको दे देता हूं धतूरे के बारे में। धतूरे का पौधा सारा भारत में सर्वत्र सुगमता के साथ मिलता है। आमतौर पर ये खेतों के किनारे, जंगलों में, गांव में और शहरों में यहां वहां होगा हुआ दिख जाता है। भगवान शिव की पूजा के लिए लोग इसके फूल और फलों का उपयोग करते हैं। धतूरा सफेद, काला, नीला, पीला तथा लाल फूल वाला 5 जातियों का मिलता है। इसका पौधा 170 सेंटीमीटर तक ऊंचा तथा झाड़ीदार होता है। इसका तना और शाखाएं बैंगनी या हल्के काले रंग की होती है। इसके पत्ते दिल के आकार के, अंडे के समान, चिकने दंतूर या मुड़े मुड़े 3 से 7 इंच तक लंबे होते हैं। इसके फूल घंटाकार तुरही के आकार के, एक साथ 2-2 या 3-3 सफेद बैंगनी चमकले हुए 5 से 7 इंच तक लंबे होते हैं। इसके फल हरे रंग के कांटेदार, गोल गोल, नीचे की ओर लटके हुए 4 खंडों से युक्त होते हैं। धतूरा के फल पकने पर अपने आप अनियमित ढंग से फट जाते हैं और जिनमें से चटपटे, मटमैले, भूरे, वृक्काकार अनेक बीज निकलकर बाहर निकल आते हैं। स्वभावतः धतूरा गर्म प्रकृति का होता है। अभी इसकी जो हानियां हैं मैं आपको बता देता हूं। धतूरा में नशा अधिक लाता है और प्राणों का भी नाश कर देता है। धतूरे के पत्ते और बीज काफी विषैले होते हैं। धतूरे की निर्धारित मात्रा से अधिक सेवन करने पर मुंह, गले, आमाशय में तेज जलन और सूजन पैदा होती है। व्यक्ति को तेज प्यास लगती है, त्वचा सूख जाती है, आंखें और चेहरा लाल हो जाता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, चक्कर आने लगता है, आंखों के तारे फैल जाते हैं और व्यक्ति को एक वस्तु देखने पर एक से अनेक अनेक चीजें दिखाई पड़ने लगती है। रोगी रोने लगता है, नाड़ी कमजोर होकर अनियमित चलने लगती है, यहां तक कि श्वासावरोध होकर या हृदय अवरोध होकर मृत्यु तक हो सकती है। धतूरे के विषाक्तता के लक्षण मालूम पड़ते ही तुरंत ही चिकित्सक की सेवा लेनी चाहिए। दोषों को दूर करने वाली जो चीजें हैं वो है शहद, मिर्च, सौंफ, धतूरा के दोषों को नष्ट करते हैं। अभी मैं इसके गुण बता देता हूं। धतूरा नशा, गर्मी, गैस को बढ़ाता है, बुखार और कोढ़ को नष्ट करता है तथा सिर की लीखों और जीव को खत्म करता है। धतूरे के पत्तों का धुआं दमा शांत करता है तथा धतूरे के पत्ते का अर्क कान में डालने से आंख का दुखना बंद हो जाता है। धतूरे का जड़ सूंघे तो मिर्गी रोग शांत हो जाता है। धतूरे की फल को बीच में तरास कर उसमें लौंग रखकर फिर कपड़ मिट्टी का गोबर में भूने, जब भून जावे तब पीस कर उसका उड़द बराबर गोलियां बनाए। सवेरे सांझ एक एक गोली खाने से ताप और तिजारी रोग दूर हो जाते हैं और वीर का बंधेज होता है। धतूरे की कोमल जो पत्तियां होती हैं, उस पर तेल चुपड़े और आग पर सेक कर बालक के पेट पर बांधे, इससे बालक की सर्दी दूर हो जाती है और फोड़ा पर बांधने से फोड़ा अच्छा हो जाता है। बवासीर और भगंदर पर धतूरे के पत्ते सेक कर बांधने से स्त्री की प्रसूति रोग अथवा गठिया रोग होने से धतूरे के बीजों में तेल मला जाता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे विश्ववर्ग में रखा गया है। रस विद्या की जानकारी इसके बीज का इस्तेमाल विभिन्न योगों में करते हैं। धतूरे के पत्तों और बीजों में हायोसाइनिन और हायोसिन रसायन पाया जाता है, यही इसका एक्टिव तत्व है। कटु, रुच एवं कफ दोष का समन करने जैसे गुणों से युक्त या मदकारक नशा भी पैदा करता है। आइए हम आपको बताते हैं इसके औषधीय प्रयोगों को। अभी 1/2 लीटर सरसों के तेल में 250 ग्राम धतूरे के पत्ते का रस में निकालकर
तथा इतनी मात्रा में पत्तियों को कलक बनाकर धीमी आंच पर पकाकर जब केवल तेल बच जाए तब बोतल में भर कर रख लें। यह सिर पर पाए जाने वाले कृमियों के लिए श्रेष्ठ औषधि है। यदि शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन हो तो बस धतूरे के पत्तों का हल्का गुनगुना कर गुनगुना कीजिए और गर्म कर सूजन वाले स्थान पर बांध दें, निश्चित ही लाभ होगा। धतूरा के बीज को अरकरा और लौंग के साथ मिलाकर छोटी छोटी गुटका बना लें। यह श्रेष्ठ कामोद्दीपक और भाव दर्शाता है। तो ये हैं सारे धतूरा के फायदे। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।